आप बताओ, मैं आप मुझे सुपरस्टिशियस बुलाइए या ओल्ड फैशन बुलाइए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा बात करने से ना नज़र लग जाती है, इसलिए मैं कम ही बोलना चाहूँगी। सर अभी मैं क्या बताऊँ, मैं आप मुझे सुपरस्टिशियस बुलाइए या ओल्ड फैशन बुलाइए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा बात करने से ना नज़र लग जाती है, इसलिए मैं कम ही बोलना चाहूँगी। No, I'm looking forward to growing old. Actually, everyone says that I'm mentally very young, that I'm still stuck at 10. So I think I should grow up now a little bit. जानवी जी, आपके साथ। जी। जानवी जी, क्योंकि ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, इसलिए आपसे जानना चाहूँगा कि ब्यूटीफुल दिखना एंड ब्यूटीफुल एक्टर जानवी कपूर सुनना कितना पसंद करती हैं आप? खुद को जब दूसरे लोग मुझे ब्यूटीफुल बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत मज़ा आता है ये सुन के। एंड अकॉर्डिंग टू यू जानवी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जितने भी आपके फ्रेटर्निटी वाले एक्टर हैं, लाइक यू एंड योर सिस्टर एंड सुहाना, अनन्या, सनाया, तारा सुतारिया, इन सब की अगर मैं बात करूँ तो किसे आप मानती हैं कि ये सबसे ब्यूटीफुल है? ये कैसे सवाल पूछा है आपने? आप मुझे प्रॉब्लम में डाल देंगे। नहीं, बहुत सब, दैट्स माई पॉइंट एग्जैक्टली, सब लोग, ये सारे लड़कियाँ इतने ब्यूटीफुल है और इन सब में यू नो एक इंडिविजुअलिटी है, खुद में इतनी खूबियाँ हैं जो शायद और लोगों में ना हो, सो वी शुड सेलिब्रेट दैम। ऐसे नहीं है कि इन सब में से सिर्फ एक अच्छी है और बाकी बुरी, वैसे बिल्कुल नहीं है, दे ऑल वेरी ब्यूटीफुल एंड दे ऑल शुड बी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एज अ फ्रेंड एंड स्पेशली एज एन ऑडियंस मेम्बर, क्योंकि मैंने उनका ट्रेलर देखा है और उनका गाना स्वीट हार्ट जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है वो भी देखा है, और वो इतनी खूबसूरत लग रही है, क्या अदायगी सब कुछ कर रही है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और कहानी भी बहुत दिलचस्प लग रही है मुझे। नहीं नहीं, उनको मेरी टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, उनको मेरी टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैंने मेरी जगह को खुद कमाया है। हाँ, मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका मिला मेरी पहली फिल्म के साथ, और यू नो आई होप कि आप सबको मेरा काम पसंद आया, लेकिन अभी भी मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत और बहुत कुछ करना है मेरे करियर को लेके, मेरे काम को लेके, और इंशाल्लाह एक दिन मैं इस हक से कह पाऊँगी कि मैं हाँ इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसे लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है। बाय दीदी। मम्मी की तरह दीदी, उसको दे दो हम दोनों भाई खाने का दीदी।